इसकी रिंगटोन भी आप अपने मोबाइल पे ले सकते हैं। करना आपने ये है कि 1112 को डायल, SMS करना है 1112 और लिखकर, और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको फॉलो करना है। अब मैंने चूंकि आपको गेस्ट का नाम बता दिया था, तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि मैं उनसे आपकी कितनी बातें करवाने वाली हूँ, और लाइव करेंगे आप उनसे बातचीत। उनको मैं क्या कहूँ, सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, ऑल रोल इन टू वन। फाखिर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सुबह हो गई फाखिर? अब भी सोती हुई लग रही हैं, यू लुक सो स्लीपी राइट नाउ। आज सुबह सुबह भी फाखिर आ गया था, वैसे सही लगती है, आज तो मैं सोती हुई लग रही हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ, इट्स वेरी हार्ड, आई मस्ट कमेंड, आप और आप जैसे और जो लोग हैं सुबह सुबह उठते हैं, टीवी पे आते हैं, एंड यू वांट टू लुक फ्रेश, यू वांट टू वेक अप योर ब्रेन एज वेल, हर चीज अलर्ट होनी चाहिए, मुश्किल काम है। कितना मुश्किल है फाखिर के लिए, कितना मुश्किल है सुबह उठना? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत अडैप्टेबल हूँ। अच्छा, हाँ, मैं जो करना होता है वो कर लेता हूँ, मुश्किल होता है लेकिन क्या करें। वैसे सोते रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी चीज के लिए उठना पड़े तो उठ जाता हूँ, कोई इशू नहीं। इट्स नॉट दैट, 24 घंटे में से 6-7 घंटे की नींद किसी भी टाइम पे आप ले लें, ओके, और अगर नहीं मिल रही है तो पावर नैप्स ले लें छोटे छोटे। अच्छा, ऐसे एडजस्ट कर लेते हो? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कहीं ना कहीं पे। ओके, अच्छा, मुझे फ्लाइट में नींद नहीं आती। ट्रेवलिंग में नहीं मुझे फ्लाइट मुझे फ्लाइट में नींद नहीं आती है। मुझे फ्लाइट में नींद तब आती है जब टर्बुलेंट्स आते हैं, झूले मिलते हैं। मुझे टर्बुलेंस आती है तो नींद आती है, या अल्लाह में आया था? नहीं, मुझे अल्लाह में, अल्लाह में झूले मिलते हैं ऐसे आराम से, इट्स लाइक नाइस। लेकिन ये नहीं लगता, अच्छा मुझे ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं उसमें तो आपको वो नहीं होता ना, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उतरना है। जो लॉन्ग ट्रैवलिंग होती है ना, लॉन्ग हॉल, आप 8 घंटे के लिए प्लेन में बैठे तब तो सोना ही है भाई। अच्छा, लॉन्ग हॉल पे जो नॉर्मली प्लेन यूज होते हैं वो थोड़े ज्यादा नए होते हैं, बेहतर होते हैं, थोड़े ज्यादा नए होते हैं, थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, 777 और ये वो, तो उनके अंदर थोड़ा ठीक है, झटके मिलते रहे झूले। और दूसरी मुझे नींद आती है जब प्लेन डिसेंड कर रहा होता है, मसलन इस्लामाबाद से कराची आ रहा हूँ ना, आई एम थिंकिंग यार मैं 2 घंटे में नींद थोड़ी सी ले लूंगा, लेकिन वो नींद नहीं आएगी, आखिरी 15 मिनट में जब डिसेंट पे आएगा, जब नीचे होना शुरू होता है तो आराम से सुकून आता है। आई डोंट नो व्हाई। ओके ओके, अच्छा ट्रैवलिंग में क्या करते हो फाखिर? बराबर में कोई बैठा उससे बातें करनी शुरू कर देते हो, दोस्ती हो जाती है, या फाखिर बन जाते हैं? नहीं, सीरियस फाखिर, मैं आई एम वेरी वेरी फ्रेंडली पर्सन, कोई अकड़ बकड़ नहीं है मेरे में। ओके, जो साथ बंदा हो अगर वो भी मेरे जैसा है तो फिर गप शुरू हो जाती है, गप शुरू हो जाती है, नॉर्मली होती है 99 out of 10 टाइम। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि फाखिर जो है वो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है, फाखिर दुआ करते यार जाऊं तो बंदी साथ बराबर में बैठी हो, बंदा ना बैठा हो कोई? नहीं, ऐसी कोई दुआ नहीं मांगता, जो मिल जाए गनीमत। ख्वाहिश अंदर से होती, जो मिल जाए गनीमत। ख्वाहिश अंदर से होती कि नहीं होती? नहीं, अब वो पास दैट एज नाउ। ओके, अब ये कोई ख्वाहिश नहीं, वो तो टीनएजर्स की ख्वाहिश। अच्छा, फ्लाइट अटेंडेंट जो है वो मेल ना हो भाई? क्यों यार, फीमेल जो अच्छी सर्विस देगा बस वो होना चाहिए। ओके, जो तमीज से बात करे, जो पोलाइट हो, स्वीट हो, नाइस हो। ओके, अच्छा आज मैंने लोगों से पूछा 4646 पर, ये हमारे SMS आते हैं डायरेक्ट मेल लैपटॉप पे, लोगों से पूछा कि आपको आजकल किस चीज का बुखार है, एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन? ओके, यू गेट एडिक्टेड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो टेम्पररी फेज भी होता है, कुछ जरा लास्टिंग भी हो जाती है, लेकिन हाँ, तो आप किस तरह के बुखार में मुक्त? यार मैं पूरी कॉम के साथ न्यूज चैनल के बुखार में हूँ। ओए होए, मत करो यार, न्यूज चैनल की एडिक्शन हर एक को है। और एक और एडिक्शन है मुझे कि जब पाकिस्तान मैच खेल रहा हो तो क्रिकेट स्कोर मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, मैं ब्राजील में हूँ या अर्जेंटीना में हूँ या मैं फ्रांस में हूँ, मैं टेक्स्ट मैसेज के ऊपर, वरना मेरा कोई ना कोई फ्रेंड यहाँ से मुझे हर 15 मिनट के बाद अपडेट करेगा। अच्छा, मेरे इंटरनेट के ऊपर क्रिक इन्फो लगा होता है। टोटल मेनिया। हाँ हाँ, मैं आई हैव टू फॉलो पाकिस्तान की प्रोग्रेस। Okay. और जब पाकिस्तान हारता है तो पूरा हफ्ता बुरा गुजरता है, जब पाकिस्तान जीतता है तो पूरा हफ्ता अच्छा गुजरता है। अच्छा, सिर्फ क्रिकेट से है इंटरेस्ट या? नहीं, जनरल पाकिस्तान के जो भी स्पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के जो भी अचीवमेंट्स होते हैं, लेकिन क्रिकेट फनेटिक्स तो हमारे वो होना हमारे खून में है ना, इंडिया पाकिस्तान को यही विचार, चंद मुल्कों में क्रिकेट खेली जाती है और उसमें से ये 2 जो मुल्क हैं, होए होए कोई फ्रीक मौजूद है यहाँ क्रिकेट के? आप नहीं हो? हूँ, मैं इतनी नहीं हूँ। आप लड़की हो ना इसलिए? ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी लड़कियां भी बहुत फ्रीक होती हैं, मैं दूसरी वो, चीज़ वो क्रिकेटर्स टेनिस फॉलो करते हैं। वो क्रिकेटर्स के लिए होते हैं, टेनिस फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल करता हूँ। असाम उलक को देखते हैं? इसाम उलक के लिए तो कल ही से पाकिस्तानी, डबल्स के अंदर भी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन तो है। ये बड़ी अचीवमेंट होती है, आगे जाए ना जाए
पर आपको ये होता है कि यार पहुंच गया बंदा वहाँ, पाकिस्तानी कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए, हमारे मुल्क का बंदा है। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग जो होती है घर पे, यहाँ जो लोग होते हैं यहाँ घर पे कौन कौन है? यहाँ पे पेरेंट्स यहाँ है पाकिस्तान? इस्लामाबाद वाले घर में अम्मी है, कराची वाले घर में वाइफ है और बेबी है। ओके, बेबी है कितनी बड़ी? 6 महीने, 6 महीने बेबी गर्ल। क्या नाम रखा? सिमोन। सिमोन क्या मतलब? गॉड्स फेवरेट पर्सन, अल्लाह का फेवरेट बंदा। इतना प्यार, मतलब बहुत प्यारा है, गॉड फेवरेट पर्सन। हाँ सिमोन, तो ये कहाँ से निकाला, कौन सी किस लैंग्वेज का है? ये अरबिक कह लें आसानी के लिए, वरना हिब्रू से अरबिक में आया, और फिर जैसे होता कि एक लैंग्वेज तो लोगों ने नेट पे सर्च किया नाम, आजकल नेट पे कपल कंसीव करता है, कपल फॉर्म देखने जुड़े नेट पे नाम, हमने भी बड़े सर्च किए थे हर जगह पे देखा। लेकिन उसके बाद फिर हमने उसको एंडोर्स किया कि इस्लामी जो नाम की जो बुक्स जो होती हैं उनके अंदर भी ये था, तो फिर भी पिक्टिस माना। सिमोन, सिमोन। देखिए अब मैं आपको एक नया नाम दे रही हूँ, फाखर ने आपको नाम बता दिया अपनी बेबी का, सिमोन, गॉड्स फेवरेट पर्सन। नाम बहुत प्यारा है, मतलब बहुत प्यारा है। इस वक्त जो सारी मदर्स एक्सपेक्ट कर रही हैं वो सोच रहे। अच्छा, ये सोचा था कि बेटा होगा बेटी होगी या पहले से मालूम कर लेना? ऑलरेडी न्यू, हाँ जी, वी न्यू दैट। हाँ, वो तो लेकिन वी वांटेड अ गर्ल, बोथ, वी वांटेड बोथ ऑफ अस, वी वांटेड अ गर्ल, और अभी भी वी वुड लाइक एक और अगर हो अल्लाह देगा तो एक और भी बेटी ही हो। हमें हमें बच्चियां पसंद है छोटी, वी लाइक बेबी गर्ल्स, दे आर क्यूटर, दे आर अडोरेबल। एंड लेकिन मुझे बड़ा इतनी खुशी हो रही है इस बात से ना, वो एक टिपिकल हमारी जो मेंटेलिटी है कि जी बेटा जरूर हो, बेटा जरूर हो, हमारा माइंडसेट ये। हालांकि हम लोग ये नहीं सोचते कि बेटा, अच्छी बात है बेटा हो बेटी हो, दोनों अच्छे हैं आपके बच्चे हैं, नहीं बल्कि आज हम जिस वजह के लिए बेटे पैदा करते हैं ना, वो वजह ज्यादा लड़कियां आजकल ज्यादा पूरी करती हैं बनिस्बत बेटों के, बेटियां सारे वो ज्यादा बनती हैं। मेरे माँ बाप का ज्यादा ख्याल रखा, मैं बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल मसरूफियत ठीक है, लेकिन मेरी बहनों ने ज्यादा ख्याल रखा। ट्रू, सेम है, दे वर ऑलवेज देयर फॉर देम, और अभी भी मेरी मदर का ज्यादा ख्याल मेरी बहनें रखती हैं। मैं, मेरा दिल करता है सब कुछ, एवरीथिंग, एंड आई वांट टू बी विद हर, लेकिन काम की वजह से, किसी भी मसरूफियत की वजह से हो जाता है। लेकिन बेटियां, वो इनबिल्ट, मुझे लगता है बिल्ट होता है, इनबिल्ट होता है, लड़कियां ज्यादा अफेक्शनेट होती हैं। दैट्स द ट्रूथ। बंदे जो हैं, मर्द जो हैं, वो कुछ ईगो की वजह, कुछ ईगो की वजह से, कुछ किसी भी माचो होने की वजह से एक्सप्रेसिव नहीं होते। आपने गौर किया होगा कि आपकी माँ जो है वो आपको ज्यादा अपने आप से चिमटाती है, प्यार करती है, बाप इतना नहीं करता। माँ वुड से आई लव यू बेबी, बेटा ये वो ये वो, लेकिन फादर्स डोंट डू दैट। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस हुआ, अल्लाह की देन है बेटियां, पर्सनल वो है कि ज्यादा हमने शुक्र किया कि बेटी, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग इसको बड़ा अपोलोजेटिकली लेते हैं, बड़ा पेट्रनाइज करते हैं, बजाय इसके कि सीधा सीधा मुबारक दें, यू नो व्हाट, पहली बेटी हो गई, यू नो व्हाट, नहीं नहीं ये नहीं, वो उनका तरीका स्टाइल चेंज हो गया, बिकॉज उन्हें पता है कि हम ओपन माइंड के लोग हैं, थोड़े रोशन ख्याल हैं, जो भी है, जब वो मुबारक देते हैं तो ऐसे कहते हैं बेटियां भी बहुत अच्छी होती हैं, पेट्रनाइज करते हैं। यार मुझे पता है तुम क्यों बता रहे हो मुझे कि क्या अच्छा होता क्या नहीं होता। चलो भाई, बेटी भी अल्लाह की रहमत, बेटी भी अल्लाह की रहमत है, बेटी तो आ जाए तो ये हो जाता है, वो हो जाता है, रिस्क हो जाता है खाना। यार कम ऑन यार, स्पेयर मी दैट व्हाटएवर। तो ये बड़ा अजीब है, आई थिंक अब हम लोगों की थिंकिंग थोड़ी चेंज होनी चाहिए, अब टाइम आ गया। और ये साथ में लगाया ना बेटी की, ये खुदा की रहमत जरूर होती है, लेकिन साथ में कि वो रिस्क होता है और बीवी से रिस्क आता है। मुझे क्यों समझा रहे हो, मैं तो, हम तो खुद दुआ मांग रहे थे बेटी के लिए। लेकिन अभी चेंज होनी चाहिए, बहुत चीजें चेंज होनी चाहिए। बिलीव करते हो, मुझे कहते हैं कि जी रिस्क तो बीवी की किस्मत से आता है मर्द का, ये सब बातें, ये बड़ी तोहमाना, इज अ करेक्ट वर्ड, तोहमाना परस्त बातें सारी, इनका कोई वो नहीं है। अगर हम इस्लाम के फॉलो करने वाले हैं मेजॉरिटी, या किसी भी बड़े रिलीजन के फॉलो करने वाले हैं, तो आप फिर ये शर्त कर रहे हैं ऐसी चीजों में पढ़ के। आप, वी शुड जस्ट फॉलो अल्लाह मियां की जो स्ट्रेट टीचिंग्स हैं।